Good morning and welcome back in my YouTube channel Mandal Sir's Commerce Classes. आप सभी दर्शकों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हर दिन की शुरुआत हम एक सुविचार एक एजुकेशनल थॉट के साथ करते हैं, तो आज का सुविचार है एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ। हिंदी में अगर कहें तो शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। अर्थात हमारे जीवन में हर मुहूर्त हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमको जीवन सिखाता है, और ये सीखने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये हमारे अंतिम सांस लेने तक चलती रहती है निरंतर गति से। तो इसी सुविचार के साथ आज के सेशन की मैं शुरुआत करूंगा, और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं ये है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, मींस गुडविल को कैपिटलाइज कैसे किया जाए या कैपिटलाइजेशन मेथड को कैसे यूज किया जाए। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो है, इस मेथड के बारे में पहले मैं आपको बताऊं, कैपिटलाइजेशन मेथड एक्चुअली हमको जो सिखाता है वो ये कि अगर मार्केट में हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे जैसे ही कई लोग हमारे जैसे ही बिजनेस कर रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर कैपिटल लगा के कुछ रिटर्न अर्न कर रहे हैं, मैं भी एक पर्टिकुलर कैपिटल लगा के रिटर्न अर्न कर रहा हूं। हो सकता है कि कोई दुकानदार, मान लीजिए मार्केट में चार दुकानें हैं, ए बी सी डी, ए मेरा दुकान है, बी सी डी ये जो है ये दूसरों का दुकान है, दूसरे दुकानदार, उनमें से सभी दुकानदारों ने अलग अलग कैपिटल लगाया। तो अब साल के आखिरी में हम लोग निकालते हैं कि हमारी प्रॉफिट कितनी हुई है। हमने प्रॉफिट पता किया कि हमारा ए जो दुकान है, हमने कमाया है 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज, और हमारी रिटर्न कितनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है इस टाइप के बिजनेस में। हमने ये अज्यूम किया कि हमारी जो रिटर्न है वो 20% की रिटर्न, ठीक है। इसका मतलब 20,000 रुपए अगर मैंने 20% के हिसाब से रिटर्न कमाया तो मैंने बिजनेस में लगाया कितना होगा, 1,00,000 रुपए। मैंने माना, मान लीजिए बी जो शॉप है उसने 50,000 रुपए के साथ बिजनेस चालू किया है, और उसने जो है बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है वो ओनली 10,000 रुपीज कमाया है। सी ने भी कुछ प्रॉफिट कमाया, डी ने भी कुछ कमाया। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मैंने भी 1,00,000 रुपए लगाया, मान लीजिए दूसरे दुकानदार ने भी, उसने भी 1,00,000 रुपए लगाए। अब मैंने 1,00,000 रुपए लगा के 20,000 कमा लिया, लेकिन दूसरे जो दुकानदार है वो हो सकता है 1,00,000 रुपए लगा के मुझसे कम कमाए हैं या प्रोपोर्शनेटली मुझसे कम कमाए हैं। तो मैंने अगर दूसरे दुकानदार के मुकाबले कम पैसा लगा के उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, तो इसका मतलब है जितना ज्यादा मैंने कमाया, दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ, उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो कैपिटलाइजेशन मेथड हमको यही सिखाता है कि हमने कितना कैपिटल सेव कर लिया, मतलब दूसरे जो कैपिटल को लगा के इनकम अर्न कर रहे हैं, हमने कम पैसा लगा के उतना ही पैसा कमा लिया। तो यही हमको गुडविल कहलाता है, ये हमारा गुडविल होता है। एवरी बिजनेस हैज टू इन्वेस्ट कैपिटल टू कमेंस बिजनेस, सभी बिजनेस को कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है हमेशा बिजनेस चलाने के लिए, और साथ ही साथ बिजनेस के सारे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, और आखिरी में जरूरी होता है कि हम कुछ प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए क्या लिखा है, इफ द फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर कोई फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा ले कम पैसा लगा के दूसरों फर्म के मुकाबले, तो उस प्रॉफिट को जो है हम लोग गुडविल कहेंगे, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम कमाएंगे उसे गुडविल कहेंगे। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड दो हिस्से में बढ़ता है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब दोनों ही मेथड से अब जब देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे,
आंसर आपका सेम आएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। उसके पहले आपको कुछ फॉर्मूला यहाँ स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना पड़ेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही आपका गुडविल। अब अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो ये जो मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, ये सेम है प्रीवियस मेथड जैसे। इसमें हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है, और आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो आता है सुपर प्रॉफिट, और उसी सुपर प्रॉफिट में आपको 100 अपॉन रेट कर देना है तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा गुडविल। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, आपके सामने ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में दिया गया है कुछ इंफॉर्मेशन जिसमें पिछले 5 साल की प्रॉफिट को दर्शाया गया है जो 2014 से शुरू हुई है। देखिए 2014 की प्रॉफिट है 59,000, 2015 का 67,000, 2016 का 39,000, 2017 का 42,000 और 2018 का 54,000। ये 5 साल की प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब हम जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, हमने ये माना कि हर आदमी, कोई नया फर्म चाहे मार्केट में आए या कोई मतलब पुराना फर्म गए से गए हाल में 20% तो कमा ही लेगा। मतलब अगर एक नया फर्म भी मार्केट में आता है तो वो भी कम से कम 20% तो कमा ही लेगा। तो ये हमने माना ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो अब हमको निकालना है गुडविल की, फर्म की गुडविल कितनी होगी, और वो भी कौन से मेथड से बोला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट बोला है तो हमने 5 साल का यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को लिख लिया कि 5 साल की मेरी एवरेज प्रॉफिट कितनी होगी। हमने कैलकुलेट किया तो पता चला 52,200, ये मेरे 5 साल की एवरेज प्रॉफिट है। अब एवरेज प्रॉफिट मुझे पता चल गया तो अब मुझे निकालना जो पड़ेगा नेक्स्ट वो कैपिटल कितना लगाए हैं। तो बेटा कैपिटल कितना लगाए हैं इसको पता करने के लिए याद कीजिए आपने क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पढ़ाया जाता है कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्वेश्चन में देखिए एसेट्स दे दिया है 2 लाख रुपीस का, जबकि लाइबिलिटी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में लाइबिलिटी ना दिया हो, कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें लाइबिलिटी देता है बना के। तो यहाँ नेट एसेट्स की जगह नेट एसेट्स हमने लिखा, लाइबिलिटी की जगह लाइबिलिटी को निल कर दिया, दोनों को माइनस किया तो 2 लाख वापस आया, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब हमने कितना कैपिटल लगाया, 2 लाख रुपए का कैपिटल हमने इसमें इन्वेस्ट किया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया तो हमको एवरेज प्रॉफिट जो है ये कितना मिल रहा है, 52,200। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देख लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब इस 2 लाख के कमाई पे अगर 20% का हमको रिटर्न मिलता है तो हमें कितना कमाई होता है, 40,000 रुपीज। मतलब 40,000 रुपए हमें कमाई हो रहा है इसमें से गए से गए। मतलब एक नया दुकानदार आए तो वो भी कम से कम 40,000 कमा लेगा, और पुराना दुकानदार जो है वो तो कमा ही लेगा। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे लोएस्ट इनकम जो है गए से गए हाल में जो कमाई हो सकता है वो है 40,000 रुपीज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अब हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से जब निकालेंगे तो क्या करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था अभी, 52,200। मतलब हमने कमाया 52,200 जबकि मार्केट में लोग कितना कमा रहे हैं, 40,000। सबसे इन दोनों का डिफरेंस किए तो निकला कितना, 12,200 इज द सुपर प्रॉफिट। मतलब हमने दूसरे दुकानदार के मुकाबले इतना रुपए 12,200 रुपए ज्यादा कमाया, तो दिस इज द सुपर प्रॉफिट। अब हमको गुडविल निकालनी है तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड के, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
तो इस कंडीशन में 12,200 × 100/20 किए तो आंसर आया 61,000। मतलब मेरे फर्म की जो गुडविल है वो कितना है, 61,000 रुपीज। मतलब 61,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया, 61,000 रुपए मैंने मतलब मेरी गुडविल जो है वो 61,000 रुपीज है। तो 61,000 रुपीज के ये गुडविल को कमाने के लिए मैंने अगर देखना है कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 61,000 × 100/20 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2,61,000 रुपीज। मतलब 2,61,000 रुपए लगता है इतने गुडविल को कमाने के लिए, लेकिन मैंने कितना लगाया, खाली 2,00,000 रुपए लगाया। मतलब कम पैसा लगा के दूसरों के बराबर प्रॉफिट कमा लिया, तो यही जो एक्स्ट्रा है इसे गुडविल कहते हैं। इसी चीज को अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाते हैं तो कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाने के लिए पहले हमको जो लगेगा दैट इज द एवरेज प्रॉफिट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसके बाद हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मेथड भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। इसके बाद हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये जो 52,200 रुपीज है एवरेज प्रॉफिट का, इसको कमाने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको पता करने के लिए मैंने 52,200 × 100/20 किया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो पता चला कि मुझे कितने रुपए की जरूरत होती, 2,61,000 रुपीज की। 2,61,000 रुपए लगाने पड़ते अगर मुझे इतना रिटर्न कमाना रहता, इतना एवरेज प्रॉफिट चाहिए रहता, लेकिन मैंने कितना लगाया, खाली 2,00,000 रुपीज। मतलब कितना कम लगाया, 61,000। तो वही जो अमाउंट आएगा वही गुडविल होगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 61,000। तो ये मेरा गुडविल निकल गया। मीन्स दोनों मेथड लगभग सेम है। सुपर प्रॉफिट मेथड में आप पहले सुपर प्रॉफिट लगाएंगे, देन इसके बाद इनटू 100 अपॉन रेट करेंगे, जबकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल अगर एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं तो पहले क्या एवरेज प्रॉफिट से ये पता करेंगे कि एक्चुअल में कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद जितना कैपिटल आएगा उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है ये कवर होता है। अब मैं आपको होमवर्क के नाम से 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस को जब आप वीडियो चलाएंगे तो पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और मुझे जो है इसके आंसर्स आप मैसेज कीजिए या तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके राइट आंसर क्या है। तो आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।